हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं इस वक्त क्या बना रही, डुप्याज़ा बना रही, कैरी का डुप्याज़ा। मैं बहुत ही दिन हो गया, महीना दो तीन, मैंने कैरी का मौसम में निकाल के मैं पूरे ऐसा रख दी थी, थोड़ा और एक बॉक्स में भी है। ये पूरा मैं खट्टी कैरी है, छोटी सी सी गोल कैरी रहती है, वो बहुत खट्टी रहती। मैं डुप्याज़ा बनाऊँगी बोल के निकाल के रखी। क्या क्या डालना है बता दिया आपको। गोश, प्याज, कोथमीर, हरी मिर्ची, मैं ऑलरेडी इसके अंदर नमक और मिर्ची मिला के रेडी रखी। और बोलते सो थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा आधा चम्मच, आधा चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच अदरक लहसुन, हल्दी, ये पूरा है पोपिया भी सब से डाल देना। सब खैरियत ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए और मैं जो प्याज़ा परसों से हमारी बहन के पास गए थे, वहाँ पर से मैं वो वीडियो लेके डाली थी, खुबानी मीठा बनाई थी मैं वो, और फ्रूट सलाद बनाई थी, और बताइए आप लोग वहाँ जाके बनाए थे, दावत हुई थी। तेल गरम, खाना बन गया। देखिए प्याज, प्याज को अच्छा सा तीन डाली प्याज छोटी, देखिए प्याज डाल दी। उसके बाद गोश, थोड़ा नमक, जरा अच्छा गोश, मिर्ची मिला के रखी थी, नमक, हल्दी, मिर्ची, क्यों तरना, मैं ऑलरेडी इसमें गोश में आधा चम्मच मिर्ची नमक मिला के रखी थी, जरा अच्छा सा गोश्त टेस्ट आना होता है। क्या क्या डालना बता के रखे से अच्छे सा। सुनिए आ रही है आप लोग को आवाज, थोड़ा सा स्टक हो रहा हुआ, थोड़ा सा जा रहा हुआ फिल, सॉरी, थोड़ा डिशा एक एक वक्त हो रहा हो। पानी सब गलने के लिए पानी, दो कट इसमें कैरी डाल देना अपन ना, खट्टी बहुत है, अपन थोड़ा सा गोश है बस, ज्यादा खट्टा हो जाता बस एक थोड़ी सी कई अपना ऐसा ले लेके अपन रख लो, एक साल तक रहता है, फिर कैरियाँ आए तक रहता है। मैं ऐसे दो बॉक्स बना के रखी, रख कैरी प्याज़ा खट्टी दाल बनाने के लिए मैं रख लेती है, हरी मिर्ची,
उसका रेडी बताती फिर आप तफसील। देखिए बन गया आटू प्याज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह खट्टा खट्टा आटू प्याज़ा बन गया। देखो और क्या आप लोग सब खैरियत ना, अभी मैं बन गया देखे आटू प्याज़ा गोश्त का आटू प्याज़ा अल्हम्दुलिल्लाह कैरी का आटू प्याज़ा अंडा वाइट राइस पपीता पपीता ये मेरे को लंच की तैयारी। और देखिए ये तो कैरी का आटू प्याज़ा बन गया। मैं और एक तो थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ आप लोग को ये क्या है, ये अपने को खाने को हाजिमा करता और पेट साफ करता, बहुत अच्छी चीज़ है। अपने को गैसेस बोलते हैं, खाना हाजिमा नहीं होता बोलते और वो तकलीफ़ होती है अपने को पेट की, इसलिए क्या करना बोलते तो डॉक्टर अताउल्ला खान का ये नुख्स है। इसके अंदर देखे मैं क्या कितना कितना डाली बोले तो एक आधी आधी कटोरी समझो, कलौंजी आधी कटोरी, सौंठ आधी कटोरी, अजवान आधी कटोरी और बोलते सो काली मिर्ची दो तीन चमचे। अपने को ज़्यादा मोशन हो रहे बोले तो मत डाल लीजिए, थोड़ा डाल लीजिए। ये चार है इसके अंदर, अजवान सौंफ कलौंजी सना का पत्ता और बोलते सो कलौंजी सना का पत्ता यहाँ है सना का पत्ता, अपन इसमें नहीं मिलाना चाह रहे, ज़्यादा मोशन्स हो रहे तो ये मत डाल लीजिए। थोड़ा सा एक मक्खी कत्ता डाल लेके ऐसा डाल लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा सना का पत्ता ऐसा डाल लीजिए, डाल लेके सुबह नहर पेट और शाम में नहर पेट इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। कलौंजी सौंफ अजवान और बोलते सो काली मिर्ची सना का पत्ता मैं पूरे बोलते सो सौंठ पूरा मटेरियल को इसको पूरा माप लेके आधी आधी कटोरी पूरा रख लेके पूरा मिला लेके रेडी रखिए। बहुत अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद है, आप लोग भी इस्तेमाल करिए। नहीं है तो डॉक्टर अताउल्ला खान का अपन यूट्यूब में सर्च करें तो ज़रूर से ज़रूर आपको बताते ये हाजिमे के बारे में है। ये भूमि आंवला बोले तो वो आंवले नहीं, छोटे से खसखस करते तो मैं इससे पहले भी बताई, ये मेरे पास टेरिस पे मैं रख ली और केरला से ऑनलाइन से मंगाई से झाड़ है। मैं सुबह नहर पेट एक आधी गिलास, शाम में नहर पेट आए, इतना लीवर के लिए और पेट के लिए बहुत से बहुत बीमारियों के फ़ायदेमंद है। ज़रूर से ज़रूर आप लोग अताउल्ला डॉक्टर से मालूम कर ले कि आप लोग इस्तेमाल करिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए हाजिमे के लिए और गैसेस के लिए और सुबह अपने को पेट सब साफ फ्रेश रहता, गैस टेबल नहीं, पेट फूलना नहीं, कुछ नहीं, इसलिए आपको ज़रूर बताए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए और कैसा है कैरी का आटू प्याज़ा, बहुत अच्छा सा कैरी, एक साल तक कैरी रहती मेरे पास, पूरा बॉक्स बताई आपको पकाते सो टाइम, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर ले, कैरी से भी बहुत खून को पतला करता कैरी, कैरी बहुत अच्छी चीज़ है। अपन बोलते खट्टी है गैसेस ऐसा बोलते ना, कुछ नहीं, कैरी से भी बहुत फ़ायदेमंद, आप इस्तेमाल करिए आटू प्याज़ा हैदराबादी कैरी का आटू प्याज़ा गोश्त का। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर दुआ की गुजारिश, शेयर करिए, पहले वर्ष करिए
और सब प्रेप्स करिए। देखिए ठीक है, अल्लाह की दुआ की गुजारिश है।